सात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहर के मजरा पेड़ा में मवेशियों को हांकते समय मोटर के लिए डाली गई लाइन के टूटे तार की चपेट में आकर चाचा भतीजी की मौत हो गई। इसी दौरान बचाने पहुंचे मृतक के भतीजे को भी करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसे युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पेड़ा निवासी रमेश देर रात को अपने खेत में घुसे मवेशियों को हांक रहा था। इसी दौरान वह एक खेत में मवेशियों से फसल बचाने के लिए लगाए गए तारों में उलझ गया। इन तारों पर मोटर चलाने के लिए लगाई गई लाइन का तार टूट पड़ा था। इसकी चपेट में आकर रमेश की मौत हो गई। रमेश को तड़पता देख पास ही जा रही उसकी भतीजी पूजा पत्नी पंकज निवासी तोलेपुरवा थाना टंडियावा बचाने पहुंची, लेकिन वह भी चपेट में आ गई और करंट लगने से उसकी भी मौत हो गई। दोनों को मृत देख पूजा का भाई राजवीर बचाने के लिए दौड़ा तो उसे भी करंट लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। राजवीर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि रमेश का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच चुका है। ग्राम पेड़ा पोस्ट बार जिला हरदोई, ये चाचा जो थे गाय हाँकने के लिए गए थे। वहाँ पे गाय हाँकते वक्त अचानक बत्ती तार खुला हुआ पड़ा था। दो मोटर थे, एक आबिदरी एक रामसागर। तो तार हाँकते वक्त गाय हाँकते वक्त तार जो खुला था वो पानी का करंट से पाने से अर्थ में बिंद गए, और बिंदने से सिस्टर भागी मेरी बहन, वो भी गई। तो उसके पीछे भाई मेरा भागा, बहन तो अलग से गई। वो लाइट तो थी नहीं वहाँ खेत पे, तो लाइट नहीं थी तो वहाँ गई, तो वो पीछे से बिंद गई पानी से, वो गिरी पड़ी रही अलग, ठीक है। उसके बाद जो भाई मेरा गया वो चाचा को पड़ा हुआ देखा, उसने उठाया, उठाने में वो भी बिंद गया वहीं। तो चाचा तो बहुत काफ़ी देर से हो थे, उसने छूटा और वो चिल्लाया, तो हम लोग भाग के गए। तब जाके वहाँ देखा तो फिर हम लौट के आए तो ट्रांसफार्मर में हमने लाठी मारी तो लाइट कटी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन वोन तो था नहीं, क्या करते कहाँ कॉल करते, इसीलिए ये घटना हुई। कितने लोगों की? दो लोगों की घटना हुई है, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरा भाई, दो लोग ख़त्म हो चुके हैं और भाई मेरा एडमिट है। चाचा मेरे एक्सपायर हो गए और मेरी बहन एक्सपायर हो गई, भाई एडमिट है यहाँ, भाई एडमिट है। कोतवाली देहात क्षेत्र में बहरपेड़ा गांव है, जहां खेत में एक तार गया हुआ था जिससे कोई मोटर चलती थी, जैसा यहां गाँव वासियों ने बताया है। और उसी में ये लोग अपने खेत पर जा रहे थे, राम लड़ते की एक लड़की पूजा जिसका नाम, दूसरा उनके भाई थे, तीसरे उनके बेटे थे, और उसी में ये उस करंट जो फैला, कहीं उनको करंट, एक बच्चा पकड़ा गया है उसको छुड़ाने के चक्कर में, जैसे बताया इन्होंने कि तीनों लोग चिपक गए। पूजा की मौके पर डेथ हो गई और इनके चाचा अस्पताल में जाकर डेथ हुई है। भाई की इलाज अभी हो रहा है वहाँ जिला अस्पताल में। जिस तरीके की भी घटना है उससे संदिग्ध लग रहा है कि किसी के द्वारा तार डाला गया है। जैसा एक तहरीर देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी क्या मौके पर स्थिति है? मौके पर चूँकि एक डेड बॉडी यहीं है गाँव में, लड़की की, इनकी राम लड़ते जी की, और एक डेड बॉडी वहाँ पर है, एक इलाज चल रहा है। तो इनका कहना है कि हम सुबह ही जो भी तहरीर देंगे तदनुसार कार्रवाई की जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।